गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल रहे हैं घर से। अभी देखिए कितना बजा है हमारा, घड़ी में बजा है अभी 4:40। तो अभी रात, कितना रात है, अंधेरा है बाहर भी। देखिए गाइस कितना अंधेरा है। अभी 4:30 हुआ है। तो अभी हमने मॉर्निंग 4:40 हुआ है, अभी हम निकल रही है घर से। हमारा पूरा बैग पूरा पैक हो गया है। यहाँ पे देखिए आज 25 दिसंबर है। तो गाइज हैप्पी क्रिसमस डे टू यू ऑल। आज मेरी सुनने बन गई है यहाँ पे सांता, वो पहन चुकी है क्या पैंट, सारे कपड़े पहनी है और हमारा सारे बैग भी यहाँ पे रेडी हो गया, हमारा कैप भी आ गया। तो चलिए फ्रेंड, तो गाइज आज हमने जर्नी कर रही है, जा रहे एक दूसरा स्टेट जो कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस अभी चल रही है क्रिसमस वेकेशन, इसलिए हमने घूमने जा रहे हैं दूसरा स्टेट, वो भी 6 डेज एंड 7 नाइट के लिए। तो गाइस आप लोगों को पता है अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए हमने पकड़ा है बहुत सारे कपड़े, बहुत बड़े बड़े ट्रॉली बैग, वो सुनु की और मेरा भी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का जर्नी। सुनो चलो लेके बैग रखो ऐसे। सो गाइस ये है हमारा टैक्सी, यहाँ पे हमने सारे बैग सब लोड कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारा डेस्टिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली मैं यहाँ पे जा रही हूँ बैठने के लिए। गाइस ये है शताब्दी एक्सप्रेस जिसमें हम आज जर्नी करेंगे, वो ऑलरेडी आके अभी स्टेशन पर है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी ट्रेन के अंदर चलते हैं सारे लगेज लेके। सो गाइस फाइनली हमने आके बैठ गए हैं ट्रेन के अंदर। ये है शताब्दी एक्सप्रेस में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इतना भी मॉर्निंग में आके आप पहुंचना बहुत मुश्किल है। सो गाइस ये शताब्दी एक्सप्रेस जो कि पुणे से हैदराबाद तक चलती है, ये फ्लाइट जैसे ही फील होगा और वो भी चेयर वाले ट्रेन है, यहाँ पे हम बैठ ही सकते हैं और दे रखा है बहुत सारे फैसिलिटीज जो कि फ्लाइट में हमको मिलता है, यहाँ पे रख के हम खा सकते हैं,
ब्रेकफास्ट लंच जो भी मिलेगा ट्रेन पे, और वाटर बॉटल रखने के लिए भी स्टैंड दिए हैं। उसके बाद हम उसको क्लोज कर देंगे, नहीं तो बैठने के लिए इनकन्वीनियंट होगा। तो चलिए उसको पहले क्लोज कर लेते हैं। तो गाइस इसका ओवरहेड यूनिट भी दिया है एक, जहाँ के हम बड़ा बड़ा बैग रख सकते हैं, जैसे कि फ्लाइट में पैक वाला रहता है और यहाँ पे ओपन वाला। तो गाइस हमने हमारा बड़ा बड़ा जो ट्रॉली बैग है सारे ओपन में हमने रखे हैं, और छोटे छोटे जो लैपटॉप बैग है हम हाथ का पास ही रखे हुए हैं। तो गाइस ये मिला है चाय सामग्री, इसका अंदर चाय बनाने के लिए सामग्री है, और यहाँ पर दिया है एक एक बिस्किट। तो गाइस अभी मिलेगा हमको चाय, और स्टिक दिया है चाय घुमा के पीने के लिए, एक सुनू के लिए, एक पापा जी के लिए और एक मेरे लिए, तीनों का। मैं इधर ही रखी हूँ क्योंकि बुधरू सो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स दिया था, और अभी गर्म पानी दे के गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे चाय बना दिए। ये वाला था शुगर, और ये वाला था मिल्क पाउडर, और ये वाला है स्टिक, इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। चाय रेडी। सो गाइस अभी फाइनल हम पियेंगे चाय। सो गाइस अभी ऑलरेडी सुबह हो चुकी है, और अभी ना 7:30 8 o'clock होने वाला है, तो यहाँ पे ना हमको पूरा अभी ब्रेकफास्ट भी मिल गया यहाँ पे। देखिए ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट, यहाँ पे तो कुछ है देखेंगे, और ये वाला एक पैकेट दिया है, और यहाँ पे एक जूस, और यहाँ पे भी दिया है क्या मिलेट लाइट मिक्सचर, एक टोमेटो केचप, यहाँ पे चाय के लिए फिर पैकेट। सो गाइस जब भी हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं उसी वक्त ही ये सारे इंक्लूड रहता है, उसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ेगा। इस ट्रेन में सारे कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेके ब्रेकफास्ट, चाय, लंच, और ये है सुन की, और ये है पापा की ब्रेकफास्ट। तो बाहर का नज़ारा तो देख लीजिए। फ्रेंड्स अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे एक स्पून भी देता है क्या, ओरिजिनल स्पून? वैसे ये भी यहाँ पे एक ओरिजिनल स्टील वाले स्पून देते हैं खाने के लिए। गाइस ट्रेन में बैठे बैठे हम सुनू बोर हो रही थी, तो इसलिए मैंने सुनू को काम पे अभी एंगेज की हूँ। कौन सा काम हो सकता है ना, सुनू अभी बुलाएगी टेबल। कौन सा टेबल सुनू बनाओगे? टू टेबल। टू टेबल ठीक है, चलो बुलाओ। टू टेबल।
भूल गई सुनो। हाँ, दो मिनट रुको, वापस से बोलती हूँ। टेबल तो ठीक से आता नहीं है, तुम उसको अच्छे से रीड करना, ठीक है? मामा का बात मान के चलो। तुम अभी नंबर नहीं, एक मैं बोलूंगी, तुम बोलना। नंबर नहीं मुझे आता है। एक नंबर मैं बोलती हूँ, उसका नेम बताना। 76 बैठ के अपना ऑनलाइन क्लास कर रही है यहाँ पे। तो गाइस मैं भी बैठे बैठे यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। सो गाइस हमारा अब लंच रेडी हो गया है, तो चलिए अब लंच करते हैं। ये रहा हमारा लंच, बहुत सारे वैरायटी दिए हैं यहाँ पे। आलू की सब्जी, यहाँ पे राइस, और ये वाला रोटी, यहाँ पे दाल, और ये दिए है गुलाब जामुन, पनीर की सब्जी, और एक दही भी दिया है उसके साथ, वाटर बॉटल। सुनो को ज़्यादा तीखा हो रही क्या? सुनो खा रही है आज नॉनवेज, लेकिन आज मंडे है तो हम नॉनवेज नहीं खाते, हम खा रहे हैं वेज। सुनो छोटी बच्ची तो चल जाएगा। सुनो का ये है चिकन। सो गाइस अभी 2:30 हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद हमारा स्टेशन भी आ जाएगा, हम उतर जाएंगे हैदराबाद। हैदराबाद में सुनो आज जाएगी अपनी बहन के पास। सो गाइस और थोड़ी देर में हम उतरेंगे ट्रेन से। सो गाइस फाइनली अब हमने पहुंच गए हैदराबाद स्टेशन में, और हमने जा रही है घर। हम अभी क्या घूम रहे थे, चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं। ये है हैदराबाद स्टेशन। हमने फाइनल आके पहुंच गए हैदराबाद में। सुनो की ये बहन है पीहू, ये है पीहू की घर। सुनो आज कितने हैप्पी हो तुम? बहुत बहुत हैप्पी हो पीहू। तुम कितने हैप्पी हो? थोड़ा सा हैप्पी। अच्छा। सो गाइस फाइनल आके हमने पहुंच गए हैं हैदराबाद में। तो गाइस मैं थोड़ा बहुत ट्रेन के बारे में रिव्यू देना चाहूंगी। आज ना हमने आए हैं शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि पुणे से हैदराबाद तक आता है, और फिर हैदराबाद से पुणे तक ही जाता है। उसका ये दो ही स्टॉप है, लेकिन बीच बीच में भी रुकता है। तो गाइस इसके लिए सारे लॉन्च और ब्रेकफास्ट, जूस वगैरह सब कुछ फ्री है। फ्री मतलब जब हम टिकट बनवाते हैं ना, उसी वक्त ही वो इंक्लूड करके ले लेते हैं, तो हमको कुछ भी खाना वाना लेके आना नहीं पड़ेगा, सारे कुछ फ्री में मिलेगा। तो हम आराम से खा के बैठ के आएंगे। ये एक चेयर वाला ट्रेन है, जो कि मैंने पहली बार बैठी हूँ चेयर ट्रेन में। नहीं तो बड़ा वाला सीट लगा रहता था। यहाँ पे चेयर है, और जैसे कि फ्लाइट जैसे फीलिंग ही आएगा हम लोग को। ऊपर में रखने के लिए सारे जो लगेज वगैरह हम ऊपर रख सकते हैं, और छोटे बैग नीचे रख सकते हैं पैर के नीचे। सो गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पुणे टू हैदराबाद वाला जर्नी। तो मुझे बहुत पसंद आया ये ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, और वो भी कम टाइम में ला के पहुँचा देता है। बाकी ट्रेन में तो यहाँ पे 12 घंटा लगता है, लेकिन ये ट्रेन 8 आवर्स मतलब 8 घंटा में ला के पहुँचा दिया। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो एसी ट्रेन है, पूरा सारे बोगी एसी में ही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए उतना ही, फिर मिलते हैं और एक नया ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।